तो दोस्तों आ गए आप। क्या आपको पता है पहले इंडियन ट्रेन में टॉयलेट नहीं होते थे, और सबसे लंबा नाम कौन से स्टेशन का है? और क्या आपको पता है ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे पर येलो कलर का बड़ा सा एक्स का निशान क्यों होता है? तो इस वीडियो को पूरा जी भर के देखें ताकि आपको इंडियन रेल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लग जाए और आपके होश उड़ जाए। जल्दी से इनोवेटिव कलाकार को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। फैक्ट नंबर 1, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल पीर पांजाल के नाम से है। यह टनल 11 किलोमीटर लंबी है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। फैक्ट नंबर 2, पहले ट्रेन में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। साल 1909 में एक पैसेंजर ने ब्रिटिश सरकार को एक खत लिखा जिसमें ट्रेन में टॉयलेट ना होने की शिकायत करी गई, जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई, और ये लेटर आप दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, तब मिलियंस रेफ्यूजीज ट्रेन के थ्रू बॉर्डर पार गए। उन ट्रेन का नाम इंडिया स्पेशल और पाकिस्तान स्पेशल था। फैक्ट नंबर 4, इंडिया के सबसे लंबे स्टेशन का नाम वेंकटा नरसिम्हा राजू वारी पेटा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हद तो तब हो गई जब जानवरों के नाम पर भी स्टेशन पाए गए, जैसे कि बिल्ली जंक्शन, यह उत्तर प्रदेश में है। काला बकरा स्टेशन, ये जालंधर में है। लगता है जिसने यह नाम रखे उसे जानवरों से काफी लगाव था। और सबसे शॉर्ट नेम आईबी है, जो उड़ीसा में स्थित है। फैक्ट नंबर 5, ये पटरियों के बीच और किनारों पर छोटे छोटे पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया है? तो ये रहा जवाब। दरअसल पटरी के नीचे कंक्रीट से बनी सिल्ली होती है, जिन्हें स्लीपर्स कहते हैं, और उनके नीचे ग्रे कलर के पत्थर बिछे हुए होते हैं, जिसे हम बैलेस्ट बोलते हैं, और उसके नीचे दो लेयर्स और होती हैं, और सबसे लास्ट में समतल जमीन। यही वजह है कि पटरी थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई होती है। आपने देखा होगा जब भी कोई ट्रेन इन पटरियों से गुजरती है तो एक कंपन पैदा होता है, और इसी कंपन को मैनेज करने के लिए स्लीपर्स में छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाते हैं ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस ना बन सके। इसके अलावा तेज धूप में पटरियां फैलती हैं और सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं, जिस वजह से ट्रेन का सारा भार पटरी पर आ जाता है, लेकिन पत्थर बिछे होने के कारण सारा भार पत्थरों पर ट्रांसफर हो जाता है और जमीन को नुकसान भी नहीं पहुंचता, और साथ में बरसात के टाइम में कीचड़ होने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि इन छोटे पत्थर के कारण बारिश का पानी आसानी से पटरियों के नीचे से बह जाता है और पेड़ पौधे भी नहीं उगते। और दोस्तों गजब की बात बताऊं, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के आसपास ये पत्थर यानी कि गिट्टी नुकीली होती है, बट ये नुकीली क्यों होती है, ये गोल क्यों नहीं होती? तो ये रहा जवाब। अगर ये गिट्टी गोल होती तो ये एक दूसरे से टकराकर गोल गोल घूमने लगते और पटरी का बैलेंस काफी बिगड़ जाता, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने सफर करते वक्त इस बोर्ड को नोटिस किया है, WL और सीफा? जब कभी कोई फाटक आने वाला होता है तो फाटक के 250 मीटर पहले ये बोर्ड दिखाई देने लगता है, WL और सीफा। WL का मतलब होता है विशल लेवल क्रॉसिंग, और हिंदी में सीफा का मतलब होता है सीटी बजाओ, फाटक आने वाला है। यह साइन लोको पायलट के लिए होता है ताकि वो सीटी बजा के सबको अलर्ट कर दे। फैक्ट नंबर 7, हर लास्ट डब्बे के पीछे बड़ा सा येलो कलर का एक्स और एलवी का साइन क्यों होता है? यह एक्स का निशान इसलिए होता है ताकि रेलवे कर्मचारी को यह पता चल जाए कि पूरी ट्रेन जा चुकी है, और एलवी साइन का मतलब भी यही होता है, लास्ट व्हीकल, यानी ये ट्रेन का आखिरी डब्बा है। अगर गलती से ये निशान कर्मचारी को ना मिले तो कर्मचारी ट्रेन को रुकवा देता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है जहां ट्रेन चारों दिशा में से आ जा सकती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और इस क्रॉसिंग का नाम है डायमंड क्रॉसिंग। सो डेंजरस ना। फैक्ट नंबर 9, नेतू पलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर इंडिया की सबसे धीमी ट्रेन है। हो गया ना शॉक। इस ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि आप साइकिल से रेस लगा सकते हैं,
और जीत भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने एक ही लोकेशन में दो स्टेशन देखे हैं? श्रीरामपुर एंड बेलापुर दो अलग अलग स्टेशन हैं, जो कि ओपोजिट साइड पर सेम लोकेशन में स्थित है। यह स्टेशन महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। तो दोस्तों, ये थे ट्रेन के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अभी और भी फैक्ट्स हैं, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कौन सा फैक्ट आपको नहीं मालूम था। अगली वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।